आज यहाँ पर उपस्थित भक्त सज्जन वृंद और मातृवृंद, हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार गोप कुमार वैकुंठ में प्रारंभिक तालीम के पश्चात भगवान नारायण के समीप सेवा में नियुक्त हुए हैं। तो गोप कुमार अपने अनुभव का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि अथ प्रभोश्चामर बीजनात्मिकम समीप सेवं कृपया अधिलंबित। तो ये भगवान नारायण की मुझ पर विशेष कृपा थी, ये गोप कुमार कह रहे हैं कि भगवान नारायण की मुझ पर विशेष कृपा होने के कारण उन्होंने मुझे समीप सेवा अर्थात अति निकट में उन्होंने सेवा प्रदान की। और वो सेवा क्या थी कि चामर व्यजन, कि भगवान नारायण के पास रहकर चामर डुलाना, चामर व्यजन करना, ये बहुत आंतरिक सेवा होती है जिसमें भगवान के पास सदा सर्वदा रहना पड़ता है भगवान की चामर सेवा करने के लिए। तो गोप कुमार ने इस सेवा को प्राप्त की भगवान नारायण की कृपा से। निजं च वंशी रणयन समाप्तवम तत् इक्षणानंद भरं निरंतरम। तो गोप कुमार कह रहे हैं कि भगवान श्री नारायण की सेवा प्राप्त होकर मुझे ये अवसर प्राप्त हो गया कि नित्य निरंतर मैं भगवान श्री नारायण के सुंदर रूप का दर्शन कर सकूं। और ये स्वाभाविक है कि कोई भगवान के निकट में रहता है तो भगवान के सुंदर रूप का दर्शन सदा सर्वदा कर सकता है। जैसे हम मंदिर में आते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए और ऐसा मन करता है कि हम सदा के लिए इस रूप का दर्शन करते रहे, इससे हम भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। किंतु हमें यह अवसर प्राप्त नहीं होता, किंतु जो भगवान के निकट रहे और उनकी सेवा करें तो ये सदा सर्वदा इस अवसर को प्राप्त होता है। तो गोप कुमार इस प्रकार भगवान के दर्शन से परम आनंद को प्राप्त हुए और परम आनंद को प्राप्त होकर उन्होंने अपनी बंसी वादन किया भगवान की प्रसन्नता के लिए, श्री नारायण की प्रसन्नता के लिए उन्होंने बंसी वादन किया। पूर्वाभ्यास वशेन अनुकीर्तयामि कदापि अहम्। और हमारा गोप कुमार कह रहे हैं कि हमारा जो पूर्व अभ्यास था, गोप कुमार का पूर्व अभ्यास क्या था कि ये मदन गोपाल के भक्त थे गोप कुमार और इनका ध्यान करते थे, मदन गोपाल का ध्यान करते थे और मदन गोपाल का मंत्र भी जप करते थे। ये दशाक्षरी गोपाल मंत्र
जप कर रहे थे और इस मंत्र के प्रभाव से उन्होंने कई लोगों का दर्शन किया था और उनकी इच्छा की पूर्ति हुई थी। इसलिए इनका अभ्यास था, जब वो ध्यान में बैठते थे, मंत्र जप करते थे, तो मंत्र जप करते समय अपने मन को एकाग्र करना पड़ता है। जैसे हम लोग गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो उसमें मन को एकाग्र करना पड़ता है उस मंत्र पर, मंत्र के अर्थ पर ये मन को एकाग्र करना पड़ता है। और जब मंत्र का अर्थ प्रकाशित होता है तो भगवान के रूप गुण लीला आदि प्रकाशित होते हैं। तो ये गोप कुमार जब गोपाल मंत्र का ध्यान कर रहे थे तो मदन गोपाल के रूप का वो दर्शन करते थे, उनकी लीलाओं का दर्शन करते थे, उनके गुणों का अनुभव करते थे। तो इस प्रकार ये उनका पूर्व अभ्यास था। और आप कह रहे हैं कि पूर्वाभ्यास वसेन अनुकीर्तयामि कदापि अहम्। तो जब भगवान का इस प्रकार वो दर्शन करते थे गोप कुमार, तो उस समय भगवान का दर्शन करके क्या करते थे ना, बहुधा उच्चै अये कृष्ण गोपाल इति, तो ये कहते हैं हे कृष्ण हे गोपाल, इस प्रकार कहकर पुकारते थे मदन गोपाल। ये मदन गोपाल के प्रति अर्थात भगवान के जो गोपाल स्वरूप है उसके प्रति इनकी आसक्ति थी, लगाव था, प्रेम था। इसलिए अत्यंत प्रेम पूर्वक, प्रेम में विवल होकर हे कृष्ण हे गोपाल कहकर वो पुकारते थे भगवान। तो ये उनका अभ्यास था पहले से, क्योंकि ये गोवर्धन के वासी थे और ब्रज रस के ये भक्त थे, सख्य रस के भक्त, इसलिए भगवान कृष्ण को अपना सखा मानते थे। और सखा में ये कहकर पुकारना ये स्वाभाविक है, कृष्ण हे गोपाल ये कहकर जाकर आलिंगन करते थे भगवान। तो ये पूर्वाभ्यास वसे न अनुकीर्तयामि कदापि अहम्। तो गोप कुमार कह रहे हैं कि जब मैं भगवान श्री नारायण की इस प्रकार चामर सेवा कर रहा था तो उच्च स्वर में मैं कभी कभी क्या करता था, बहुधा अनेक समय उच्च स्वर में हे कृष्ण हे गोपाल कहकर पुकारता था उनको, भगवान नारायण। और इसके साथ साथ गोप कुमार एक तो नारायण को हे कृष्ण हे गोपाल कहकर पुकारते थे उच्च स्वर में, इसका अर्थ है कि वहां पर उपस्थित जो भगवान नारायण के दूसरे भक्त थे वे लोग भी सुनते थे गोप कुमार क्या कहकर पुकारते हैं भगवान, इसको सुनते थे। और गोप कुमार केवल भगवान से नारायण को कृष्ण गोपाल कहकर पुकारते नहीं थे, इसके साथ साथ उनके बाल लीलाओं का गान भी करते थे।
भगवान कृष्ण की जो ब्रज लीला है, बाल्य लीला है, तो उन लीलाओं का गान भी करते थे। तो गोकुल आचरितं च अस्य महात्म दर्शकम्। तो भगवान कृष्ण के गोकुल में जो बाल लीला हुई थी, 3 वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण गोकुल में अपनी बाल्य लीला कर रहे थे। तो ये बाल्य लीला का जो महात्म है, महिमा है भगवान कृष्ण की, तो इन महिमाओं को गोप कुमार गान करते थे। भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं की महिमाओं को गान करते थे स्तोत्र रूप में। परम स्तोत्र रूपेण साक्षात गायामि सर्वदा। तो जैसे ब्रजवासी लोग भगवान कृष्ण की लीलाओं का गान करते हैं, भगवान कृष्ण जो भी लीला करते थे ब्रज में और गोप बालकगण आकर ब्रज में बताते थे कृष्ण ने आज ये किया, इस असुर का वध इस प्रकार किया, उस असुर का वध इस प्रकार किया, आकर गोप बालकगण बताते थे ब्रज में घर आकर, तो तुरंत कृष्ण की लीलाओं पर ये गीत की रचना हो जाती थी। ये सब आंसु कवि थे ब्रजवासी, तो भगवान की लीलाओं का वो गान करते थे। इस प्रकार सारे ब्रजवासी कृष्ण की लीलाओं के बारे में जानते थे। और आज भी वो प्रथा है ब्रजवासीगण भगवान कृष्ण की लीलाओं का ये गान करते रहते हैं। और लीलाओं में तरह तरह की भगवान की लीलाएं हैं, तो सब गीत के रूप में सब गान करते हैं। तो गोप कुमार का ये अभ्यास था, ये भगवान मदन गोपाल की लीलाओं का, गोकुल लीलाओं का ये गान करते थे। तो जब इस प्रकार वैकुंठ में होने लगा, क्योंकि इससे पूर्व ऐसा कोई वैकुंठ में भगवान नारायण को नहीं बोलता था, ना तो उनको कृष्ण गोपाल कहकर पुकारता था और ना उनके गोकुल के लीलाओं का गान करता था। तो ये वैकुंठ में गोप कुमार ने ये एक नई चाल चला दी, एक नया व्यवहार उन्होंने किया कि भगवान नारायण को जो वैकुंठ के अधीश्वर हैं और उनके प्रति वैकुंठ वासियों के सम्मान का भाव है, संभ्रम भाव है, किंतु गोप कुमार उनको अपना मदन गोपाल मानते हैं और उनके गोकुल लीलाओं का गान करते हैं उनके सामने उनको प्रसन्न करने के लिए, और कभी कभी कृष्ण गोपाल कहकर पुकारते भी। तो वैकुंठ वासियों को ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा क्योंकि वैकुंठ वासियों का तो अभ्यास अलग प्रकार का था, इनका भगवान नारायण के प्रति संभ्रम भाव है। तो किसके प्रति हम सम्मान भाव रखते हैं तो उनसे दूर रहते हैं, दूर खड़े होकर कुछ बोलते हैं और हर समय भय बना रहता है कहीं व्यवहार में गलती ना हो जाए, किंतु ये गोप कुमार आए और इनको कोई भय तो नहीं है और वो नारायण को कृष्ण गोपाल कहकर पुकारते हैं और उनकी गोकुल लीलाओं का गान भी करते हैं। और गोकुल लीलाओं में ये भी लीला है कि माता यशोदा ने कृष्ण को बांधा था और दामोदर मास चल रहा है, दामोदर लीला में उनके उदर में उदर को रज्जु से बांधा था,
तो ये भगवान की लीला है। और वैकुंठ के लोग इसके बारे में सोच भी नहीं सकते कि भगवान को कोई बांध सकता है, या भगवान कभी अपने माता के डर से वो रो रहे हैं। तो ये वैकुंठवासी लोग सोच नहीं सकते। इसलिए वैकुंठ में गोप कुमार का यह व्यवहार कुछ अटपटा लगा वैकुंठवासियों को, ये कैसा व्यवहार कर रहा है। किंतु भगवान के सामने ये गोप कुमार कुछ बोल नहीं सकते थे, क्योंकि भगवान तो कुछ नहीं बोल रहे हैं गोप कुमार को, वो तो आनंद से श्रवण कर रहे हैं और गोप कुमार के भावों को ग्रहण कर रहे हैं भगवान। किंतु वैकुंठवासी जो भक्तजन थे उनको ये अच्छा नहीं लग रहा था। तो भगवान के सामने तो वे कुछ बोल नहीं पाए। जब गोप कुमार अपनी सेवा समाप्त करके बाहर आए तो ये वैकुंठवासी लोग उनके पास पहुंच गए। और जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई सेवा में गलती करता है तो हम लोग उसको बाहर बुलाकर डांटते हैं, तूने ऐसा क्यों किया, ये गलती किया यहाँ पर। तो ये वैकुंठवासी लोग ये सब शुद्ध भक्त हैं, क्योंकि शुद्ध भक्त जो नहीं है वो वैकुंठ को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए वो तो डांट नहीं सकते गोप कुमार को, किंतु उनके हृदय में ये पहले तो गोप कुमार के इस प्रकार भाव और उनका व्यवहार को देखकर वो पहले हंसने लगे सब वैकुंठवासी, कि ये कहां से आया, ये क्या बोल रहा है। तो फिर उनको बुलाकर उनको समझाने का प्रयास किया। तो वैकुंठवासियों ने कहा गोप कुमार से, मां एवं संबधयो इशेषम। तो कुछ वैकुंठवासियों ने कहा गोप कुमार से कि ये भगवान है नारायण, ये भगवान है, सारे प्रभुओं के प्रभु हैं, इसे ईश्वर के ईश हैं, तो इनको इस प्रकार संबोधन नहीं करना, ये समझा रहे हैं गोप कुमार कि आप जो कृष्ण और गोपाल कहकर इनको पुकारते हैं ऐसा संबोधन नहीं करना उन। मांस संकीर्त तथा, और आप इनका जो गुणगान कर रहे हैं, यशगान करते हैं, गुण कीर्तन कर रहे हैं, और किस प्रकार गोप कुमार गुण कीर्तन कर रहे थे, ये गोकुल के लीलाओं का वर्णन कर रहे थे भगवान के सामने। तो इन वैकुंठवासियों ने कहा कि इस प्रकार कीर्तन नहीं करना है, ये भगवान की गोकुल के लीलाओं का वर्णन करके कीर्तन नहीं करना है भगवान के सामने। पुनः कह रहे हैं कि उनको कैसा व्यवहार करना चाहिए वैकुंठनाथ के पास। तो कहते हैं कि उपश्लोक महात्म्य, तो भगवान वैकुंठनाथ नारायण की जो महिमा है उन महिमा को जो शास्त्र में स्तोत्र के रूप में वर्णित है, भगवान की महिमाओं का वर्णन है। और भगवान को कैसे शास्त्रों में वर्णन किया गया है, ना अनंतम अद्भुतम, ये भगवान की महिमा अद्भुत है, अद्भुत से भी अद्भुत, और भगवान की महिमा अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि
हरि अनंत, हरि कथा अनंत है। भगवान हरि अनंत है और उनकी कथा भी अनंत है, कथा समाप्त नहीं होती। स्वयं अनंत से, अनंत काल से अपने सहस्र मुखों में भगवान की अनंत कथाओं का वर्णन कर रहे हैं और अभी तक उन कथाओं को समाप्त नहीं कर पाए। तो इसलिए ये वैकुंठवासी लोग गो कुमार से कह रहे हैं कि शास्त्रों में भगवान का, भगवान के गुणगान के लिए जो स्तोत्र सब है, प्रार्थनाएं हैं, उनका पाठ करना चाहिए भगवान के सामने। ये गोकुल की लीला जो भगवान की बचपन की लीला है और गोपाल बालक की लीला है, उसको यहाँ ज्ञान नहीं करना चाहिए। सहारैव दुष्टानं शिष्टानं पालनाय। तो वैकुंठ वासीगण ये कह रहे हैं गोप कुमार से कि भगवान ये सहारैव दुष्टैव दुष्टानं, ये दुष्टों के सहार के लिए, विनाश के लिए, और शिष्टों की रक्षा के लिए, शिष्टों का पालन के लिए भगवान आविर्भूत होते हैं। और भगवत गीता में भी भगवान वही कहते हैं कि बिना साहे से दुष्कृतम। तो ये परित्राण साधुना बिना साहे से दुष्कृतम, तो साधुओं के परित्राण के लिए। तो भक्तों, साधु कौन है? भक्तजन है। तो भक्तों की रक्षा और उनका परिपालन और दुष्टों का विनाश, इसलिए भगवान अवतरित होते हैं। किंतु उनके अवतरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? साधुओं की रक्षा, दुष्टों का विनाश, ये मुख्य उद्देश्य नहीं। मुख्य उद्देश्य भक्तों की रक्षा करना। तो सहारा एव दुष्टानं शिष्टानं पालनाय च कंस वंश यतानेन गोपालं मायया कृतम्। तो गोप कुमार ने भगवान के, भगवान की ब्रज लीला का वर्णन किया है कि भगवान किस प्रकार गोपाल बालक के रूप में अवतरित हुए थे ब्रज में और गाय चराते थे। तो इसको ये वैकुंठवासी तो नकार नहीं सकते कि भगवान ने ऐसा नहीं किया है। तो गोप कुमार को समझा रहे हैं कि वस्तुतः भगवान का उद्देश्य, संसार में अवतरण का जो उद्देश्य है, ये भक्तों की रक्षा करना और दुष्टों का विनाश करना। और कहते हैं कंस वंचयता नहीं। और जहां तक भगवान के गोपाल के रूप में, गोपाल बालक के रूप में आविर्भाव का संबंध है, तो भगवान ने ऐसा रूप धारण किया था केवल कंस को छलने के लिए कि कंस उनको पहचान नहीं सके कि ये भगवान है। इसलिए भगवान ने ऐसा रूप ग्रहण किया था जिससे कि श्री वसुदेव की रक्षा हो जाए, कंस उन पर अत्याचार ना करे और कंस इस प्रकार भ्रम में रहे, उसको पता ना चले कि कृष्ण भगवान। इसलिए भगवान ने
ये ऐसा छल के लिए रूप धारण किया था, गोपाल बालक का रूप। और वो रूप कैसा था? माया आकृतम। ये वैकुंठवासी जन कहते हैं कि भगवान ने ये तो कंस को छलने के लिए ये माया रूप ग्रहण किया था। ये वस्तु तो भगवान का वास्तविक रूप नहीं है, ये माया रूप है, माया से बना रूप। और थोड़े समय के लिए उन्होंने ग्रहण किया था। और कहा जाता है कि माया मनुष्य भगवान ये माया मनुष्य के रूप में अवतरित हुए, मनुष्य के जैसा दिख रहे थे किंतु मनुष्य नहीं थे, इसका अर्थ है भगवान थे। किंतु वैकुंठवासी कह रहे हैं कि ये तो माया से ये रूप ग्रहण किया था, केवल कंस को छलने के लिए और दुष्टों का विनाश के लिए। और इसका अर्थ है कि भगवान का यह रूप, कृष्ण रूप, ये माया द्वारा सर्जित है और ये स्थायी रूप नहीं है, ये कहने का मतलब। तो माया वर्णन चास्य न भक्ति बहुमन्यते, इसलिए भगवान का ये जो माया रूप है, माया से बना हुआ रूप है, और इस रूप में उन्होंने जो कार्य किया है, जो लीलाएं की है, ये भक्त भक्त न भक्त ही बहुमन्यते, तो भक्तगण इसका बहुमानन नहीं करते, इसको इतना महत्व प्रदान नहीं करते भक्तगण। ये वैकुंठवासी लोग कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो वर्णन कर दिया है गोकुल लीला के संबंध में, तो ये समझा रहे हैं कि भगवान का ये माया रूप की लीला है, इसलिए भक्तगण इसका बहुमानन नहीं करते, इसको स्वीकार नहीं करते या उसको इतना महत्व नहीं देते। भक्तारंभे ही तत्तम तेन न स्तुयते प्रभु। तो यहां पर प्रश्न उठ सकता है कि ये वैकुंठवासी जन जो कहते हैं कि भगवान का यह रूप जो है ये माया सृजित रूप है और भक्तगण इसको इतना महत्व प्रदान नहीं करते हैं, किंतु हम देखते हैं श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि भगवान ने मोहिनी रूप भी ग्रहण किया था, यद्यपि थोड़े समय के लिए असुरों की वंचना के लिए भगवान ने मोहिनी रूप ग्रहण किया था। और जहां जहां भगवान ने आवश्यकता के अनुसार कई रूप ग्रहण किए हैं, तो क्या उन रूपों को या उस उनकी उस रूप की लीलाओं को भक्तगण मान्यता देते हैं या नहीं? तो भगवान कहते हैं कि उनकी जो भी लीलाएं हैं ये सब दिव्य है। भगवान की लीला भौतिक नहीं और ना तो उनका रूप भी भौतिक है या माया सर्जित है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मायां वर्णयत अमस्य ईश्वरस्य अनुमोदतः। तो ये श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है
जहाँ भगवान कहते हैं कि माया वर्णयत अमुष्य ईश्वर से अनुमोदत श्रृणत श्रद्धया नित्य माया आत्मा नाम है। तो जो भक्तगण भगवान का ये जो माया रूप अर्थात ये मोहित करने के लिए जो रूप भगवान ने स्वीकार किया है, जैसे मोहिनी रूप ये मोहित करने के लिए भगवान ने स्वीकार किया था, तो कहते हैं इन रूपों के महिमा के बारे में या इन लीलाओं के बारे में भक्त लोगों का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना चाहिए। इसमें भगवान का अनुमोदन है। भगवान कहते हैं कि भक्त लोग मेरी लीलाओं का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना चाहिए, इसमें भगवान का अनुमोदन है। और जो भक्तगण भगवान की इन सारी लीलाओं के संबंध में, इन सारे रूपों के सारी लीलाओं के संबंध में श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं, ये माया द्वारा कभी प्रभावित नहीं होते। वो माया से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्ते, कि मेरी जो माया शक्ति है इसको अतिक्रम करना अत्यंत कठिन है, किंतु मांगे यो प्रपद्यन्ते माया में तंग तरंती, किंतु जो मेरी शरण में आता है वही माया शक्ति का अतिक्रमण कर सकता है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इसमें भगवान का अनुमोदन है कि भक्तगण श्रद्धा पूर्वक भगवान के कोई भी रूप का, चाहे थोड़े समय के लिए ही भगवान उस रूप को ग्रहण क्यों न किया हो, वो दिव्य है। और उन रूपों के द्वारा जो लीलाएं अनुष्ठित हुई है उसका श्रवण श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए, जिससे कि व्यक्ति माया से मुक्त हो सकता है। तो ये शास्त्रों का वर्णन है कि श्रवण करना चाहिए। अब वैकुंठवासी कह रहे हैं कि ये भगवान का गोपाल बालक रूप, ये कंस को छलने के लिए भगवान ने माया से ग्रहण किया था, इसलिए भक्त लोग उसका बहुमान नहीं करते हैं, महत्व नहीं देते हैं, तो ये अस्वीकृत हो गया इस वाक्य के द्वारा ब्रह्मा के। इसलिए वैकुंठवासी लोग के फिर इसका उत्तर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भक्तारंभ ही तत् उक्तं तेन न स्तुयते प्रभु। तो कभी कभी ऐसा होता है, ये वैकुंठवासी लोग कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भक्त अपने भक्ति का प्रारंभ कर रहा है, भक्ति का आरंभ करते समय हो सकता है कि कोई भक्त भगवान के इस माया रूपों की लीलाओं का श्रद्धा पूर्वक श्रवण कर सकता है और गान कर सकता है, ये भक्ति के प्रारंभ में हो सकता है। किंतु जो भक्त उन्नत भक्त हैं, ये लोग इन लीलाओं का गान नहीं करते। तो इसलिए ये वैकुंठवासी लोग कहते हैं कि इन लीलाओं के गान से भगवान प्रशंसित नहीं होते हैं, या भगवान की ये अच्छी स्तुति नहीं है, यशगान नहीं है, केवल भक्ति के प्रारंभ में ऐसा हो सकता है कि भगवान के माया रूपों का गुणगान हो सकता है।
तो ये जो बैकुंठवासी लोग कुछ लोग थे, इन्होंने जब ऐसा बताया गोप कुमार को, तो वहां पर दूसरे बैकुंठवासी लोग थे। जैसे भक्तों में कई भक्त होते हैं, एक दल भक्त एक प्रकार बोलते हैं, दूसरा दल दूसरे प्रकार का बोलते हैं। तो जिसकी जैसी समझ या जिसका जैसा ज्ञान है, उस रूप में वो प्रतिपादित करते हैं। तो दूसरे बैकुंठवासी लोग जो दूसरे दल के थे, इन लोगों ने स्वीकार नहीं किया ये प्रथम दल के बैकुंठवासी लोगों की उक्ति को। तो उन लोगों ने कहा, तेसु एव केचित अवदन दुर्गद आचरितस्य। तो दूसरे दल के बैकुंठवासियों ने कहा कि वस्तुतः भगवान की जो लीलाएं हैं ये दुर्बोध्य है, ये बोधगम्य नहीं होता है सभी के लिए। भगवान क्यों कैसे किस प्रकार ये लीला करते हैं, सभी लोग उसको समझ नहीं सकते। जैसे भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं ब्रज में, कि भगवान यद्यपि स्वयं भगवान है, वो माता यशोदा के स्तन से दूध पान के लिए रोते हैं, माता यशोदा से भयभीत हो जाते हैं और रोने लगते हैं। तो ये इस लीला को व्यक्ति कैसे समझ सकता है? इन लीलाओं के बारे में कोई सुनेगा, ये तो साधारण शिशु की लीला जैसे प्रतीत होती है। तो इन लीलाओं को देखकर कोई भी व्यक्ति मोहित हो सकता है और कृष्ण को भगवान नहीं मान सकता। और ऐसा होता भी है, लोग कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करके मोहित हो जाते हैं और कृष्ण को एक साधारण मनुष्य बालक समझते हैं, क्योंकि भगवान नटवर है। ये नर्तक श्रेष्ठ या अभिनय करने में दक्ष है, और जब मनुष्य बालक का अभिनय करते हैं तो उनसे बढ़कर कोई अच्छा अभिनय नहीं कर सकता मनुष्य बालक का, इससे लोग मोहित हो जाते हैं। तो ये दूसरे दल के जो बैकुंठवासी थे, ये कहते हैं कि भगवान का जो आचरण है, उनकी जो लीलाएं हैं, ये दुर्बोध है, बोधगम्य नहीं है, हम उसको अपनी बुद्धि के द्वारा समझ नहीं सकते। इसलिए लीलई का सापी तत्स्य न दोष कीर्तन होता है। इसलिए भगवान कोई भी रूप ग्रहण करे, चाहे अल्प समय के लिए हो या वो भगवान की नित्य लीला हो, वो भगवान की ही लीला है, ये और किसी की लीला नहीं है। इसलिए इन लीलाओं का कीर्तन करने में कोई दोष नहीं है, ये दूसरे बैकुंठवासी भक्त लोगों ने कहा। तो प्रथम दल के बैकुंठवासी भक्त कह रहे थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए भगवान के सामने, किंतु इन लोगों ने कहा नहीं नहीं ठीक है। ये गोप कुमार जो भगवान की बाल्य लीलाओं का वर्णन, गोकुल लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, वो ठीक है, इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो भी भगवान की लीला है। तो गोप कुमार देख रहे हैं कैसे बैकुंठवासी लोग उनको उपदेश दे रहे हैं, बैकुंठ में रहकर कैसा आचरण करना चाहिए। अब बैकुंठवासियों का तीसरा दल आया क्योंकि भक्तों में इस प्रकार मतभेद होता रहता है तो ये बैकुंठवासियों का तीसरा दल आया
तो उन लोगों ने जब सुना इन दोनों दलों की बात, तो उन लोगों ने कहा कैसिन महाद्वी तात सर्वान निवार्योक्तम इदं रुषा। तो ये जो तृतीय दल के भक्तगण थे ये बहुत उच्च कोटि के भक्त थे, तो उन लोगों ने जब इन दो दलों की बातें सुनी तो ऐसा कहने के लिए उनको निवारण किया, मना किया, और वे क्रोधित हो गए, ऐसा तुम लोग क्यों बोल रहे हो। और ये लोग पुनः कहते हैं आ किं एवं निगत दे भगवत भी अबुध ही। तो तृतीय दल के वैकुंठवासियों ने कहा कि तुम लोग इस प्रकार क्यों कह रहे हो, ये दोनों दलों के जो वैकुंठवासी भक्तगण थे उनसे तृतीय दल के वैकुंठवासी भक्तगण कह रहे हैं कि तुम लोग अबुध है अर्थात बुद्धिहीन की तरह तुम लोग ऐसा क्यों कह रहे हो, ऐसी बात क्यों कर रहे हो। तो जैसे तुम लोगों का कोई ज्ञान नहीं है इस प्रकार तुम बात कर रहे हो। अब ये लोग कह रहे हैं कि कृष्णस्य भक्त वात्सल्य यस्य कस्यापि कर्मणाम। तो भगवान कृष्ण के जो भी कर्म है, क्योंकि भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं जन्मं कर्मं च मे दिव्यं एवं यो व्यक्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सर्वम्। तो भगवान कहते हैं कि मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य है, इसको जो तत्त्वतः जानता है वो अंत में मुझको प्राप्त होता है। तो भगवान का कर्म और जन्म दोनों दिव्य है, ये भौतिक नहीं है या माया रचित नहीं है। तो ये तृतीय दल के वैकुंठवासी भक्तगण कह रहे हैं कि कृष्ण से भक्त वत्सल यस्य कस्यापि कर्मणः। भगवान जो भी कर्म करते हैं ये सब भगवान के भक्त वात्सल्य गुण को प्रकट करते हैं, अर्थात ये सारे कर्म भक्तों पर कृपा करने के लिए। भगवान ये हर तरह के कर्म करते हैं भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, भक्तों पर कृपा प्रदान करने के लिए। भगवान तरह तरह के कर्म संपादित करते हैं, तो इसका उद्देश्य होता है कि भगवान भक्तों को आनंद प्रदान करना चाहते हैं। जिस प्रकार भक्तगण भगवान को आनंद प्रदान करना चाहते हैं, उसी प्रकार भगवान भी भक्तों को आनंद प्रदान करना चाहते हैं। वो अवसर खोजते रहते हैं कैसे मेरे भक्तों को मैं आनंद प्रदान करूं। ये भगवान का भक्त वात्सल्य या भक्त वत्सलता का गुण। तो ये तृतीय दल के वैकुंठवासी भक्तगण कह रहे हैं कि भगवान अपने भक्त वत्सलता के कारण जो कर्म करते हैं संकीर्तन महान एव गुण श्री प्रभु तोषना। तो उन कर्मों का संकीर्तन करना, गान करना, भगवान की लीलाओं का गान करना, भगवान की भक्त ये महान
कल्याणकारी है। भगवान की लीलाओं का गान करना, जो गान करते हैं और जो श्रवण करते हैं, ये सभी के लिए कल्याणकारी होता है। और इसी से प्रभु तोषम, भगवान बहुत संतुष्ट होते हैं। जैसे बताया गया है, ये पद्म पुराण में आता है, मुहूर्ते नापि संहर्तु सक्तो यद्यपि दानवान्। भगवान कह रहे हैं, ये ब्रह्मा से कह रहे हैं कि दानवों का नाश करने के लिए एक मुहूर्त में, दानवों का नाश करने के लिए मैं समर्थ हूं, भगवान कह रहे हैं। किंतु मद भक्तानां विनोदार्थम करोमि विविधा क्रिया। यद्यपि एक मुहूर्त में मैं दानवों का, राक्षसों का नाश करने में समर्थ हूं, किंतु भक्तलों के आनंद विधान के लिए, भक्तलों को प्रसन्न करने के लिए मैं तरह तरह का कर्म करता हूं। दर्शन ध्यान संस्पर्श ही मत्स्य कुर्म विहंगमा स्वामी अपत्यानि पुष्णन्ति तथा अपि पद्मज। तो भगवान उदाहरण देते हैं, ये तीन प्रकार के प्राणियों का उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि मत्स्य कुर्म विहंगमा, मत्स्य अर्थात मछली, कुर्म कछुआ कच्छप, और विहंगम चिड़िया पक्षी। तो कहते हैं ये तीनों मछली, कच्छप कछुआ और पक्षी, ये तीनों कैसे अपने संतान का पालन करते हैं, पोषण करते हैं, ना दर्शन ध्यान संस्पर्श। तो मछली अपने बच्चे का पोषण पालन वो कैसे करती है, ना दर्शन, केवल देख करके। जब मछली का जन्म होता है तो ये मछली उसके पास रहकर केवल देखता है, उससे वो वृद्धि प्राप्त होता है। तो उसी प्रकार जो कछुआ है, कच्छप, ये ध्यान करता है, अपने बच्चे का ध्यान करता है, ध्यान करके उसका पोषण करता है। और जो पक्षी, ये स्पर्श के द्वारा अपने बच्चे का पोषण करता। तो पक्षी तो अंडे देते हैं, अंडे को ये पक्षी ओढ़ करके बैठता है, उस गर्मी से बच्चा उत्पन्न होता है। तो ये जिस प्रकार दर्शन ध्यान स्पर्श, इसके द्वारा ये तीन प्रकार के प्राणी अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उसी प्रकार भगवान कह रहे हैं कि मैं अपने भक्तों का पोषण इन तीन रूपों से भी करता। अर्थात भगवान अपने भक्तों के प्रति दृष्टिपात करते हैं, दर्शन। सदा सर्वदा भगवान देखते हैं अपने भक्तों को क्या कर रहे हैं, उनका ध्यान करते हैं, और अपना स्पर्श प्रदान करके उनको आनंद प्रदान करते हैं। तो ये भगवान का हृदय है, जो अपने हृदय को व्यक्त कर रहे हैं ब्रह्मा जी के सामने।
तो इसलिए भगवान अपने भक्तों को आनंद देने के लिए जो भी कर्म करते हैं ये सब भगवान का यशगान गुणगान ही है। उसका कीर्तन करना ये सभी के लिए कल्याणकारी है। जो श्रवण करने वाला और जो कीर्तन करने वाला सभी के लिए कल्याणकारी है। और भगवान जब अपने कीर्तन यश कीर्तन गुणगानों का श्रवण करते हैं भगवान भी बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च। मैं ना तो वैकुंठ में हूं ना योगियों के हृदय में। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्रं तिष्ठामि नारि। मेरा भक्तगण जहां मेरा यशगान करते हैं मैं वहीं निवास करता हूं। इसलिए भगवान हर समय जहां कीर्तन होता है नाम संकीर्तन हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो जहां भगवान का नाम संकीर्तन होता है लीला कीर्तन होता है गुण कीर्तन होता है भगवान वहां उपस्थित रहते हैं और इससे भगवान बहुत संतुष्ट होते हैं। तो यही कारण है कि कलयुग में विशेष रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें नाम संकीर्तन प्रदान किया। ये कलयुग का युग धर्म हरि नाम संकीर्तन जिससे हम भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं और उनका प्रिय बन सकते हैं। अब श्री गोप कुमार कह रहे हैं तो वैकुंठ वासियों ने तो इस प्रकार तीन प्रकार के मत प्रदान किए। तो यहां प्रश्न उठ सकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये सभी लोग वैकुंठ को प्राप्त हुए हैं और सभी शुद्ध भक्त हैं। कोई बिना शुद्ध भक्ति के वैकुंठ धाम को प्राप्त नहीं हो सकता। तो ये तीन प्रकार के वैकुंठ के भक्तगण ये शुद्ध भक्त हैं किंतु उनका मत अभी भिन्न भिन्न है। तो ऐसा क्यों होता है? तो श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं कि वस्तुतः इन भक्त ये तीन प्रकार के भक्त जो कह रहे हैं ये सभी सत्य है। यद्यपि इन तीनों प्रकार के भक्तों में ये मतभेद जैसा लगता है किंतु ये तीनों सत्य ही कह रहे हैं क्योंकि वैकुंठवासी कभी मिथ्या नहीं कर सकते या हम उनको अज्ञानी भी नहीं कर सकते कि उनको ज्ञान नहीं है। उनको भी ज्ञान है भगवान के संबंध। तो इस प्रकार अलग अलग बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनके भाव अलग अलग है। हर भक्त का भाव एक जैसा नहीं हो सकता। इनके भाव अलग अलग है। ये सभी भगवान नारायण को भी भगवान मानते हैं कृष्ण को भी भगवान मानते हैं। कोई अस्वीकार नहीं कर रहा किंतु उनके अंतर के भाव अलग अलग है। जो प्रथम दल के भक्त थे वैकुंठवासी भक्त ये भगवान नारायण को ही सर्वोच्च मानते थे इसलिए भगवान के अन्य लीलाओं को उतना महत्व तो नहीं देते थे। ये उनका अंतर का भाव है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो भगवान के अन्य अवतारों को नहीं मानते थे किंतु नारायण को ही महत्व अधिक देते थे।
ये स्वाभाविक है कि कोई भगवान के पास रहेगा, उनके प्रति आसक्त होना है, ये भक्त के लिए स्वाभाविक है। जिस प्रकार गोप कुमार ये मदन गोपाल के प्रति आसक्त है, किंतु ये जो बैकुंठ गए हैं नारायण की भी सेवा कर रहे हैं, नारायण को भी भगवान मान रहे हैं, किंतु आसक्ति उनकी मदन गोपाल के प्रति है। तो उसी प्रकार ये बैकुंठ के भक्त, विशेष रूप से जो प्रथम दल के भक्त थे, ये नारायण के प्रति आसक्त है। ये मना नहीं करेंगे कृष्ण भगवान नहीं है, किंतु उसको गौण मानते हैं और नारायण रूप को प्रधान मान रहे हैं। इसलिए जो भी कह रहे हैं वो ठीक है, किंतु अपने भावों के अनुसार ये लोग अपना मत व्यक्त कर रहे हैं। तो बैकुंठ में ऐसा क्यों है? क्योंकि भगवान भी चाहते हैं अपने भक्तों में भिन्न भिन्न भाव हो। ऐसा क्यों चाहते हैं भगवान? क्योंकि वो ऐसे अलग अलग भक्तों के साथ वो अपना भाव विनिमय कर सके और स्वयं आनंद को प्राप्त करने के साथ साथ अपने भक्तों को भी आनंद प्रदान कर सके। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सारे भक्तों का भाव एक ही है, एक ही होगा, ऐसा नहीं कह सकते। तो गोप कुमार अब कह रहे हैं, तेसं एतादृशै वाक्यै आदौ लज्जा मम अजनि, मम अजनि। तो गोप कुमार ने कहा कि जब मैंने सुना प्रथम दल के वैष्णववासी भक्तों की उक्ति मैंने सुनी, तो मुझे लज्जा बोध हुआ। हमने सोचा कि कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी, भगवान नारायण के पास आकर उनको इस प्रकार में संबोधन कर रहा हूं, मुझसे हो सकता है गलती हो गई है, इसलिए ये लोग मुझे टोक रहे हैं, मुझे मना कर रहे हैं कि ऐसा नहीं करना, क्योंकि बैकुंठ में कोई भगवान का नाम लेकर उनको पुकारता नहीं, क्योंकि भगवान नारायण वहां पर सभी के प्रभु हैं और बैकुंठवासी सभी उनके सेवक हैं, और जो प्रभु हैं उनका नाम लेकर पुकारा नहीं जाता है। ये वैदिक संस्कृति भी है, जो हमारे गुरुजन हैं उनका नाम लेकर कोई पुकारता नहीं, अपने संबंध के अनुसार संबोधन किया जाता है, गुरुजन का नाम नहीं लिया जाता। तो बैकुंठ में ये भक्तगण कभी भी नारायण का नाम लेकर नहीं पुकारते हैं कि हे नारायण, ये नहीं कहते हे प्रभु। और ये गोप कुमार ये तो सीधे जाकर हे कृष्ण हे गोपाल कहने लगे, नाम लेकर पुकारने लगे, तो इसलिए उनका मना करना भी स्वाभाविक था कि ऐसा भगवान के लिए नाम लेकर पुकारना नहीं है, बता रहे हैं गोप कुमार, ये स्वाभाविक था उनको कहना, क्योंकि ये लोग पुकारते नहीं है ऐसे वहां। तो इसलिए गोप कुमार कह रहे हैं कि पहले तो मुझे लज्जा का अनुभव हुआ कि हम नाम लेकर पुकार रहे थे भगवान को और इन लोगों ने टोका मुझे। पश्चात तो सह तथापि अंत मन न तुष्यत सर्वतः, किंतु बाद में जब तृतीय दल के, द्वितीय और तृतीय दल के बैकुंठवासी भक्तगण मुझे आश्वस्त किए कि नहीं नहीं इसमें कोई दोष नहीं है, यद्यपि मैं आश्वस्त हुआ उनके वचनों से,
किंतु मेरा जो अंतर्मन है वो पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये गोप कुमार कह रहे हैं, मैं तो संतुष्ट हुआ उनके आश्वासन वचन को सुनकर, किंतु मेरा अंतर्मन पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हुआ। क्योंकि गोप कुमार का भाव क्या था? ये गोप भाव, गोप कुमार का गोप भाव था ये, क्योंकि ये ब्रज का गोप कुमार और मदन गोपाल के प्रति आकृष्ट है, इसलिए आप बैकुंठ में वो मदन गोपाल का नाम भी नहीं ले सकते, ये लोग मना कर रहे हैं। कृष्ण गोपाल नहीं बोल सकते, उनकी लीलाओं का गान नहीं कर सकते, तो उनको उनके हृदय में ये लगा कि जैसे कोई कांटा घुसा दिया कि यहां तो बंधन हो गया है कि यहां हम बोल नहीं सकते कृष्ण और गोपाल का नाम। यद्यपि बैकुंठ यहां किसी की कुंठा नहीं है, कोई दुख नहीं है किसी की, वहां सभी आनंद को प्राप्त करते हैं भगवान के सान्निध्य में। और गोप कुमार भी वहां आनंद में है, किंतु उनके अंतर्मन संतुष्ट नहीं हो पा रहा। निज इष्ट दैवत श्रीमद गोपाल चरणम जयो तादृक रूप विनोदादि अनालोकात च दीनवत। तो गोप कुमार कह रहे हैं कि मेरे तो इष्टदेव श्री गोपाल थे और अभी भी हैं, कि मेरे इष्टदेव श्रीमद गोपाल चरणाब्जय हो, श्री गोपाल के चरण कमल मेरा इष्ट है। और तादृक रूप विनोदादि, और गोपाल बालक के रूप में भगवान कृष्ण सर्व आकर्षक है, बहुत सुंदर लगते हैं। भगवान कृष्ण जब गोप वेश में होते हैं बहुत आकर्षक लगते हैं, सुंदर लगते हैं, और संसार के सारे प्राणियों को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं अपने गोप वेश। किंतु वही कृष्ण जब मथुरा द्वारका चले जाते हैं, वहां राजवेश में होते हैं, तो उतना आकर्षक नहीं लगते। ऐसे कृष्ण आकर्षक हैं, किंतु गोप वेश जैसा आकर्षण नहीं होता है राजवेश में। इसलिए भगवान कृष्ण जब आए थे द्वारकावासियों को लेकर कुरुक्षेत्र में, वहां भगवान कृष्ण का राजवेश था। और बहु दिनों के पश्चात कृष्ण से मिलने के लिए ये ब्रजवासी लोग यहां से गए थे, ब्रज से कुरुक्षेत्र, और वहां पर जब कृष्ण से मिले तो उन्होंने कृष्ण को राजवेश में देखा। और ये ब्रजवासीगण कृष्ण के गोप वेश के प्रति आकृष्ट थे, इसलिए उनको अच्छा नहीं लगा वो राजवेश। ये लोग चाहते थे कि कृष्ण वृंदावन लौट आए और उस प्रकार गोप वेश में यमुना के तट पर उनके साथ लीला करें। तो ये गोप वेश बहुत आकर्षक होता है, और गोप कुमार इस गोप वेश के प्रति आकृष्ट थे।
इसलिए कहते हैं कि मदन गोपाल मेरे इष्टदेव और उनके चरणों चरण कमलों के प्रति मैं आकृष्ट और उनके रूप और लीला आदि के प्रति मैं आकृष्ट था, किंतु यहां बैकुंठ में मेरे आराध्य मदन गोपाल को न देखकर, उनके रूप को न देखकर और इन लीलाओं को न देखने के कारण मैं उतना उत्साहित नहीं हुआ, मैं निरुत्साहित हो गया बैकुंठ में। यद्यपि वहां हर तरह का सुख उपलब्ध है, स्वयं भगवान नारायण उपस्थित है, किंतु मेरे आराध्य देव को ना देखकर, उनके रूप गुण लीला आदि को ना देखकर मैं निरुत्साहित हो गया। अब आगे गोप कुमार अपनी अवस्था का वर्णन करेंगे और उसके पश्चात नारद मुनि से उनकी भेंट होगी, जिसके संबंध में हम कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। तो हम 5 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे, आप लोग हाथ ताली देकर उच्च स्वर में इस नाम संकीर्तन में अंशग्रहण कीजिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama
राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नेताय गौर हरि गो हरि गो हरि गो हरि गो, नेताय गौर हरि गो हरि गो हरि गो हरि गो, जय जय प्रभुपा 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 प्रभुपा, जय श्री श्री गौरनिताय की जय, जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर उत्तर सगदेवी की जय, जय श्री श्री जगन्नाथ बल्ली सुभद्र महारानी की जय, जय श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय, जय समवेत भक्त वृंद की जय, नित्याय गौर प्रेमानंदे हरे।